हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ चैप्टर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री के साथ आपके सामने। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और जे थॉमसन के बारे में मैंने आपको बताया। और जे थॉमसन ने जो रिज़ल्ट निकाला था चार्ज टू मास रेशियो, वो भी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपने उसको पढ़ा होगा, जो कि वैल्यू थी 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर के। तो आज जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है कि आज हमें जानना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ और किसने किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट उसके लिए किया गया। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने बोर्ड पे मैंने एक पिक्चर बना रखा है ताकि आपका भी थोड़ा समय बच जाए और वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ है। और आप देखें, साइंटिस्ट का नाम मैंने लिख रखा है रॉबर्ट मिलिकन, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक्सपेरिमेंट का नाम मैंने लिख रखा है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और इस टॉपिक में सबसे पहले तो आप पिक्चर को देख लें, कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चैम्बर लिया गया है और एक चैम्बर के अंदर ना हाइड्रोजन गैस फिल किया जा रहा है। मैं मार्क करके चलिए आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ डाला जा रहा है और मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ करके, आप अच्छे से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एटमाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमाइज़र। जैसे आप घर में स्प्रे करते हैं ना, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो उसमें से बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं स्प्रे करने पर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एटमाइज़र है जिसमें ना ऑयल भरा हुआ है और यहाँ से ऑयल स्प्रिंकल किया जा रहा है। जैसे आपने हैंड बीच में सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे थे हम लोग, तो ऑयल स्प्रे यहाँ से किया जा रहा है। तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर के अंदर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से ये जो हमने लगा रखा है, जिसमें मैंने आईज बना रखे हैं, ये एक टेलीस्कोप है। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के ज़रिए ना अंदर वॉच किया जा रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स को, जो वहाँ से स्प्रिंकल किया जा रहा है। और ये जो मैं आपको प्लेट्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक राउंड प्लेट, जिसको मैं चलिए ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, मेटल का प्लेट है। और इन दोनों मेटल प्लेट्स के साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक तरफ पॉजिटिव पोल कनेक्ट कर रखा है और एक तरफ नेगेटिव पोल कनेक्ट कर रखा है। मतलब कि ये है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पोल से जुड़ा है और नेगेटिव पोल से जुड़ा है, तो डेफिनेटली इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्सरे लिख रखा है, मतलब यहाँ से एक्सरे के अंदर आने का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। एक्सरे आपने सुना होगा कई बार कि अगर किसी को चोट लग जाता है तो वो जाके एक्सरे कराता है। इसके बारे में डिटेल में बहुत बातें होने वाली हैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो खैर, अभी तो वही एक्सरे है। यहाँ पर एक्सरे अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस अंदर आ रहा है। मैंने इस प्लेट के ऊपर एक होल कर रखा है, आप देख रहे होंगे। तो बारी बारी से आप हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑयल स्प्रे किया जाएगा, अंदर हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है। अब क्या होगा वो आप समझिए कि जैसे ही रॉबर्ट मिलिकन ने ये देखा कि वो एक्सरे अंदर भेज रहे हैं और हाइड्रोजन गैस अंदर आ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो अंदर आया और एक्सरे साथ में अंदर आया, तो एक्सरे ने अंदर आके हाइड्रोजन, एक्सरे ने अंदर के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, आप थोड़ा इस तरीके से समझ लें कि मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इतना तो सबको ही जानता होगा कि ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको जब एक्सरे ने हिट किया, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया। आप ऐसा समझ सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन पर ऑयल के ड्रॉपलेट्स चिपक गए, है ना। ऑयल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर का है, आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया, तो उस पार्टिकल ने क्या किया, ऑयल के ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ऑयल स्प्रिंकल किया जा रहा है और ये अंदर आ रहा ऑयल इस होल के जरिए। ये ऑयल का ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रहा होगा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसी को देखा जा रहा है किससे, टेलीस्कोप के जरिए, कि ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा था कि जब शुरुआत में इस तरीके से ऑयल के ड्रॉपलेट्स अंदर आ रहे थे और वो हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, हाइड्रोजन के एटम को एक्सरे ने हिट किया और उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बिकॉज का पेनिट्रेशन पावर अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कि ऑयल के ड्रॉप्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया, या ऑयल का ड्रॉप उसके ऊपर चिपक गया। ओके, तो क्या हुआ कि जैसे ही ऑयल के ड्रॉप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चिपक गए,
तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे दो तरह का फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और एक काम कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों आ रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अराइज हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। देखा आपने नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल से। अब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑयल के ड्रॉपलेट पे आके चिपका, वो खुद ही नीचे गिरने लगा। वो नीचे गिरने लगा और उसे कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं? रॉबर्ट मिलिकन, किससे? टेलीस्कोप के जरिए। टेलीस्कोप के जरिए वो देख रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रखी थी उन्होंने, अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वोल्टेज है, क्योंकि कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ऐसा उन्होंने क्या किया कि वोल्टेज को, या आप यूँ कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लगाया उन्होंने, उसे बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। जब भी ऑयल के ड्रॉपलेट नीचे गिर रहे थे, जिस बात को वो टेलीस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या पाया कि कुछ ड्रॉपलेट्स एक पर्टिकुलर चार्ज पर कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं ऊपर भाग जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है, तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगाया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रॉपलेट के ऊपर चिपका हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, वो उसे ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा, क्योंकि इधर का पोटेंशियल अब ज़्यादा हो गया है। तो फिर रॉबर्ट मिलिकन ने उस चार्ज को बैलेंस करना शुरू किया और वो ऐसा चाहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल आउट करने का मतलब है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है, कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाए? हैंग हो जाए। क्या हो जाए? हैंग हो जाए। ना तो वो नीचे जाए ना तो वो ऊपर जाए। ऐसा कब हो पाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना चार्ज लगाया जा रहा है, जो चार्ज अप्लाई किया जा रहा है, जितने कूलम्ब का चार्ज अप्लाई किया जा रहा है, वो चार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट कर दे, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे ही नहीं गिरेगा, वो बिल्कुल हवा में लटक जाएगा। मतलब जादू हो रहा है भाई। तो अब कैसे ये जादू किस चार्ज पे देखने को मिला, या किस किस चार्ज पे जादू देखने को मिला? क्या आप जादू समझ रहे हैं कौन सा है? कि ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल बीच में हैंग कर जाएगा, ना तो वो ऊपर जाएगा ना तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ, तो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर कम हो रहा था तो ऑयल का ड्रॉपलेट नीचे गिर जा रहा था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ रहा था। तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ रहा था, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भारी पड़ रहा था, ठीक है। तो एक बार ऐसा चार्ज भी देखा गया जिसपे कि कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट जो है वो हैंग कर गए, और वो चार्ज था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का। वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का जो चार्ज था, इस चार्ज पर ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स, या यूं कहें आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जिन जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ चिपके हुए हैं, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स हैंग कर गए, बाकी नीचे गिर रहे थे। अच्छा, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स 1.6 के अलावा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पर भी हैंग कर गए। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पर भी हैंग कर गए। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, कुछ 8.0 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ऐसे ऐसे अलग अलग चार्जेस पर कुछ कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैंग कर जा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जा रहा था। ओके, अब ये बात देख करके रॉबर्ट मिलिकन ने सोचा, लेकिन एक बात बहुत सिंपल था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब से कम चार्ज पर कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट हैंग नहीं हो रहा था। मिनिमम ये चार्ज देखा गया कि ये मिनिमम चार्ज रखा जाएगा तभी ऑयल ड्रॉपलेट हैंग हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो रॉबर्ट मिलिकन है, उन्होंने ये बात समझ ली और हमें भी समझा दिया कि मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो सबको मालूम है हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स इस चार्ज पर हैंग कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि उन ऑयल ड्रॉपलेट्स पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चिपक रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ड्रॉपलेट पे, किसी ड्रॉपलेट पर दो इलेक्ट्रॉन, किसी ड्रॉपलेट पे तीन इलेक्ट्रॉन, किसी ड्रॉपलेट पे चार इलेक्ट्रॉन है। तो जिन ड्रॉपलेट्स पे दो इलेक्ट्रॉन चिपक रहे होंगे, डेफिनेटली वो इस चार्ज पर हैंग हो रहे होंगे। जरा आप नोटिस करें, मैंने 16 का टेबल लिख रखा है, 16 × 2 = 32, 16³ = 48, 16¹ = 44, 16¹ = 80, मतलब
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमेशा जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैंग हो रहे हैं वो 1.6 के मल्टीपल हैं, 1.6 के टू मल्टीपल, 1.6 इनटू 3, 1.6 इनटू 4, 1.6 इनटू 5, लेकिन कभी भी 1.6 के मल्टीपल से इधर उधर नहीं हो रहा है और ना ही 1.6 से नीचे वो हैंग हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट पे लगा होगा, मैक्सिमम कितना भी लग सकता है। तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एक ड्रॉपलेट पे लटका होगा और मिनिमम चार्ज क्या उन्होंने देखा, 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि एक्यूरेटली 1.602 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उन्होंने मिनिमम डिसाइड कर लिया। कितना डिसाइड कर लिया? 1.602 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि नॉर्मली 1.6 लिखा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था इसलिए उन्होंने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसलिए उन्होंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन चिपका होगा, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर दो होगा तो उस चार्ज पे रुकेगा, तीन होगा तो इस चार्ज पे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस चार्ज पे, अगर पांच इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट पर होगा तो इस चार्ज पे, लेकिन वो हमेशा 1.6 का मल्टीपल ही आ रहा है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन चिपक सकता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उन्होंने फिक्स कर दिया 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसमें उन्होंने नेगेटिव चार्ज लगाया, जस्ट बिकॉज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप ये पिक्चर समझ गए होंगे, रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि रॉबर्ट मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के होने के बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर हो चुका था और पहले ही जे.जे. थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया था। तो अब जब आपको दो क्वांटिटी मालूम हो गई है तो तीसरी क्वांटिटी निकालना बहुत आसान थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको मास निकाल के दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मास निकाल के दिखा देता हूँ। कितना डिसाइड हो गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो डिसाइड हो गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, वो भी नेगेटिव चार्ज के साथ। अब चार्ज टू मास रेशियो जो जे.जे. थॉम्सन ने निकाला था वो आ गया हमारा चार्ज टू मास रेशियो जो निकाला था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। अब आप देखिए इसमें आप चार्ज की वैल्यू डाल दें तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया गया, वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दें तो क्या होगा, चार्ज को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बाय 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। यस, पर केजी। तो ये कूलम और ये कूलम कैंसिल हो गया, पर केजी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, केजी। और इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो ये हो गया मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये अप्रॉक्स हाइड्रोजन के 1837th मास के बराबर है। समझ रहे हैं, किसी का 1800 से भी ज़्यादा भाग, मतलब 1837 और 57 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कुछ वैल्यू है। तो हम कहना यही चाहते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट क्या है, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, बिल्कुल मास के मामले में बहुत ही कम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल मास है, आपको इसका एक्चुअल मास AMU में भी याद रखना है, जो कि होता है, याद रख लीजिएगा, 0.0005 U या फिर AMU, ठीक है, AMU। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल माना जाता है इसको। और ये हमारा एक्चुअल चार्ज है,
और रिलेटिव चार्ज जो माना जाता है, रिलेटिव चार्ज वो -1 यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, बिल्कुल। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे पता किया गया और इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता किया गया, ठीक है। चलिए अब आप इसको लिख लीजिए और मैं आपको यहाँ पे, चलिए बात कर लेते हैं एक और टॉपिक पे अपना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कर लिए नोट? ओके। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारा टॉपिक है। जैसा मैंने कहा था अगले वीडियो में आपको दो चीज़ बता दूंगा, एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको हटा दो। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब क्या हुआ, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जे जे थॉम्सन के बाद एक साइंटिस्ट आए, ई गोल्डस्टीन। कौन सा साइंटिस्ट है? ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा और पढ़ के उन्हें लगा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। और जल्दीबाजी में वो काफ़ी कुछ कर गए, जैसा कि उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल वैसा ही एक ट्यूब बना लीजिए जैसा मैंने पिछली बार बनाया था। और पिछली बार आपको याद होगा कि जो परफोरेशंस किए गए थे, पिछला हमारा कैथोड रे था, तो इस बार उन्होंने जो है ना कैथोड के अंदर होल कर दिया, कैथोड के अंदर, ठीक है। और उस बार, पिछली बार कैथोड से रे निकला था तो गोल्डस्टीन बोल रहे थे मेरा एनोड हम रखेंगे बिना परफोरेशन का, बिना छेद का। और एनोड है, एनोड के ऊपर आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए बिल्कुल सेटअप वही है। अगेन जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, वही मम्मी के चप्पल वाला जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है जिसपे पार्टिकल हिट करेगा तो ग्लो करेगा। और यहाँ पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। और अब क्या किया उन्होंने, बोला कि मैं यहाँ वैक्यूम चैम्बर बना लिया है, वैक्यूम पंप बना लिया है। पूरा अच्छा से नहीं पढ़ाई किया, किसने? ई गोल्डस्टीन ने, अच्छे से नहीं पढ़ा और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई गैस जो है यहाँ पे ले लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाला, ठीक है। क्योंकि पिछला एक्सपेरिमेंट आप याद करें वो गैस के नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा था, विदाउट गैस वो नज़र आ रहा था, या कोई भी गैस आप डाल रहे थे, कोई भी मेटल प्लेट लगा रहे थे तो सेम रिजल्ट आ रहा था। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस डाला वो ई गोल्डस्टीन ने अपना। आप कह रहा है कि ये भी तो एक इनर्ट टाइप का गैस है, सोचिए कैसे, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो यहाँ हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है, तो क्या जब आप सांस ले रहे हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके आपके नाक में क्या पानी जा रहा है क्या? नहीं ना, तो रिएक्शन नहीं कर रहा। तो उन्होंने सोचा कि ये भी तो एटमॉस्फेरिक लेवल पे क्या है, बिल्कुल इनर्ट टाइप का काम कर रहा है, जनरली रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस डाला इसके अंदर। सेटअप बिल्कुल वैसा ही, बस हाँ इस बार जो उसका होल था, उसने होल जो किया वो इस बार कैथोड पे किया और इस बार जो उसका यहाँ पे बिना होल वाला पार्ट था वो कौन था, एनोड, ठीक है। कौन था वो? एनोड। और एनोड पॉजिटिव चार्ज प्लेट से जुड़ा है, कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज प्लेट से जुड़ा है। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट देखने को मिला कि जैसा गोल्डस्टीन ने बताया कि इधर से कोई रे निकला है और वो जा करके यहाँ हिट किया है और यहाँ पर क्या हुआ है, स्पार्क हुआ है, ग्लो हुआ है। बस गोल्डस्टीन खुश कि मैंने एनोड रे ढूंढ लिया जो एनोड रे एनोड से निकलते हुए कैथोड के परफोरेशन से छेद से होते हुए जो यहाँ होल किया गया है उस होल से होते हुए जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हिट कर रहा है और ग्लो कर रहा है। मतलब जिस तरीके से जे जे थॉम्सन ने बताया कि कैथोड से पार्टिकल निकल रहा है, उससे मैं भी बताता हूँ कि एनोड से पार्टिकल निकल रहा है और उस रे का नाम क्या रहेगा, एनोड रे रहेगा। बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि गोल्डस्टीन ने देखा कि मेरा एक्सपेरिमेंट तो हो गया, चिल्लाने लगे। तभी क्या हुआ, जे जे थॉम्सन की नज़र पड़ जाती है। जे जे थॉम्सन बोला है, बाबू इधर आओ, तुम जो एक्सपेरिमेंट किए हो तुमको मालूम है, अपना हाई वोल्टेज लो प्रेशर सब कुछ वो रखा है पहले की तरह, बिल्कुल जैसे वो रखे थे वैसे ये भी रखा है, ये भी हाई वोल्टेज रखा है, ये भी लो प्रेशर रखा है, सब कुछ रखा है,
ये भी मेटल का प्लेट रखा है, सब कुछ पहले की तरह, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी आ रहा है इसको, ये तो कह रहा है काम हो गया। तो बोले कि तुम हाइड्रोजन गैस यहाँ डाले हो, जरा हाइड्रोजन गैस हटाओ, और हाइड्रोजन गैस हटा करके और तब ये वाला रिजल्ट तुम लाके दिखाओ, क्योंकि मेरा तो गैस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा था। अब क्या हो, हाइड्रोजन गैस जैसे निकले, हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ से हटाए, स्पार्क करना बंद, ठीक से समझिएगा, लोग नॉर्मली बोल के निकल जाते हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे ही हटाया, स्पार्क करना बंद, ग्लो करना बंद, हाइड्रोजन की जगह आर्गन गैस डाल दे, स्पार्क शुरू। इसका मतलब ये है कि बिना गैस के रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, बिना गैस के रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, सबसे पहला पॉइंट। तो अब उसके बाद गोल्डस्टीन को बोला, भाई तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो ठीक नहीं हो रहा है। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि अब मैं पता करता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब गोल्डस्टीन इसके पीछे लग गया। तो गोल्डस्टीन ने ये देखा कि रे जो है इधर से भी निकल रहा है, उधर से भी निकल रहा है। एक्चुअली बात यह कि परफोरेशन उधर है। अब गोल्डस्टीन ने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उसने क्या पाया कि कैथोड से तो रे निकल रहा था, ये मालूम था जे.जे. थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट से। तो कैथोड से स्पीड एकदम फास्ट वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम को हिट कर रहा है। अगेन अभी आपको समझाए थे बिल्कुल वैसे ही, हाइड्रोजन के एटम को हिट कर रहा है और इसके न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे रहा है। किसको अलग कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ध्यान समझिएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है और रास्ते में जो हाइड्रोजन का एटम है उस हाइड्रोजन के एटम को टकरा गया और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, H+ को और इलेक्ट्रॉन को कितनी बार लिखेंगे सर, H+ को और इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। किसने, फास्ट मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ने। अब क्या हुआ कि ये जो गैसियस आयन है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इसको गैसियस आयन, ये जो गैसियस आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, गैसियस आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये जो गैसियस आयन है पॉजिटिव चार्ज का होने के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज का होने के कारण नेगेटिव चार्ज प्लेट मतलब कैथोड की तरफ भागा, भागो, इधर क्या है होल, परफोरेशंस, और इन परफोरेशंस से होते हुए वो जा करके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर हिट कर रहा है। कौन जा रहा है, एनोड से रे जा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ये जो गैसियस आयन है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको कि इलेक्ट्रॉन ने हिट करके अलग किया है इलेक्ट्रॉन से, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आयन को और इलेक्ट्रॉन को अलग किया है, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन होगा गैसियस आयन, डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना किधर जा रहा है, आराम से पहले जिधर जाता था उधर ही जा रहा है, गया। और भाई उधर तो कोई होल नहीं तो गया और आकर के समा गया, जैसे सामने से मार रहे हो भाई हटेंगे तब तो बोर्ड पे लगेगा, अब हम सामने खड़े हैं तो आया और हमें समा गया, क्योंकि हम तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट में नेगेटिव चार्ज आकर के समा गया। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन था वो ड्यू टू होल ऑफ कैथोड वो इधर से होता हुआ निकला और जाके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को हिट किया। तो आप ये समझ लें, ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज, ये जो पॉजिटिव रेज है जिसको कि गोल्डस्टीन बता रहे थे कि एनोड से निकल रहा है, उसका ओरिजिन क्या है वो आप समझ लीजिए, उसका ओरिजिन गैसियस आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और वो कैसे अलग हो रहा है कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो आके उसको हिट कर रहा है, और हिट करने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इलेक्ट्रॉन से अलग होके, और वो पॉजिटिव चार्ज किधर गया, परफोरेशन से होते हुए, छेद से होते हुए किधर गया, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जाकर के हिट किया। अब क्या हुआ, जर्मन में एक वर्ड है जो होल को ये लोग कैनाल बुलाते हैं, कैनाल जर्मन में, अब जर्मन में बुलाता है कि किसमें बुलाता है उतना याद नहीं, लेकिन जर्मन में बुलाता है शायद। तो उस समय के बाद इन रेज का नाम एनोड रे की जगह पर क्या रख दिया गया, कैनाल रेज, क्योंकि ये परफोरेशन के कारण इधर दिखाई दिया, इसलिए इस रे का नाम क्या रख दिया गया, कैनाल
रेज रख दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड्रे नाम की कोई चिड़िया थी नहीं, लेकिन चूंकि नाम रख दिया था तो बोला भी जाता है। चिड़िया जो थी वो केनाल थी, केनाल रे थी, और केनाल मतलब होल है, परफोरेशन से छोटे छोटे जो प्लेट में है, जो बाथरूम वाला जाली में है, उसी से मेरा गैसियस आयन जो है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वही उस तरफ जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे स्पार्क हो रहा है। क्या ये क्लियर है बच्चों को? क्या ये क्लियर हो गया आपको? देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या क्या हुआ अच्छे से। जब भी कोई बात समझाया जाए ना, एक बार आप भी पॉज करके स्क्रीन को सोचिए कि ये चीज़ मैंने समझा, ये चीज़ मैंने जाना। अब आप देखिए क्या होगा, बाकी सारा का सारा इसका बिहेवियर, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, इसके पास भी मास था, मास कैसे डिटरमाइन हुआ होगा, वही पैडल व्हील लगा दिया जिसको घुमाने लगा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के अंदर देखा। इसके इसने भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने भी क्या दिखाया, सोर्स डिफ्लेक्शन, सोर्स डिफ्लेक्शन, बट इट इज़ अपोजिट फ्रॉम वॉट, कैथोड रे से अपोजिट था। ठीक है, क्या अपोजिट था कि अगर उसका डिफ्लेक्शन, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, पिछला मेरा जो कैथोड रे था वो कैथोड रे के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता था, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल लगा दूँ, एक तरफ मान लीजिए नेगेटिव पोल और एक तरफ मान लीजिए पॉजिटिव पोल, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो किधर देखा गया, पॉजिटिव पोल की तरफ देखा गया, किधर देखा गया, पॉजिटिव पोल की तरफ देखा गया। तो इसलिए मैंने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में शो कर रहा था डिफ्लेक्शन, मगर कैथोड रे के अपोजिट कर रहा था, मास भी था, वेलोसिटी भी थी। मैग्नेटिक फील्ड में जब डिफ्लेक्शन दिखाएगा हॉर्स शू मैग्नेट में, मतलब कि वेलोसिटी बहुत फास्ट थी, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव पोल या नेगेटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स द पार्टिकल या गैसियस आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया कैसे डिसाइड हुआ? और उसके बाद उस समय काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन ये जो है पंचिंग पॉइंट्स था इसका, जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब चार्ज और मास की बात कर लेते हैं, ये भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ना तो चार्ज निकालने में मेहनत करनी पड़ी, ना तो मास निकालने में मेहनत करना पड़ा। दुनिया को मालूम था कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो अब हाइड्रोजन का जो मास है, जो कि हाइड्रोजन का जो मास है जो कि 1 AMU के बराबर है, या मैं आपको ऐसे कहूँ तो एक्यूरेटली लगभग 1.007 AMU के बराबर है। ठीक है, एक्यूरेट में भी मैं बता देता हूँ आपको, 1.6726 × 10⁻²⁷ kg के बराबर है। ये सारे वैल्यू सेम है, ठीक है, ये एक्यूरेट हो गया, ये रिलेटिव हो गया, और ये एक्यूरेट मास हो गया kg में, ये kg में हो गया, ये AMU में हो गया। ठीक, तो अब हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, हाइड्रोजन का जो टोटल मास है वो पजेस कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेगलिजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले अब आपको बताया, 9.1 × 10⁻³⁶ kg जो कि हाइड्रोजन से भी कई गुना कम है, हाइड्रोजन के मास से मतलब ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। तो उस हिसाब से जो पूरा का पूरा मास है वो कौन पजेस कर रहा है, प्रोटॉन पजेस कर रहा है। तो कह दिया गया कि जितना हाइड्रोजन का मास है वो पूरा मास किसका है, प्रोटॉन का है। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिसाइड हो गया 1.6726 × 10⁻²⁷ kg, 1.6726 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, मास पजेस हो गया। एक बार आप नोट भी कर ले, चार्ज के बारे में भी एक दो लाइन आपको बोल ही देते हैं, चार्ज के बारे में आपको एक दो लाइन बोल ही देते हैं। अब चार्ज कैसे हुआ वही आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन हो चुका था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या डिटरमाइन हुआ था, लिख लिए सब, हटा दे, या चलिए हो जाएगा यहीं पे, छोटा सा तो है। और
इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन हुआ था -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, और सब लोग जानते थे कि हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम है और हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन के अंदर एक ही वो न्यूट्रल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन है उसके अंदर प्रोटॉन है वो बिल्कुल इतना ही चार्ज वाला होगा। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये निगेटिव में है तो डेफिनेटली प्रोटॉन का चार्ज किस में होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये चार्ज फाइनलाइज कर लिया गया। ठीक है, तो चार्ज आप याद रखेंगे 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चार्ज टू मास रेशियो भी निकाला गया होगा, निकाला गया लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का, क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, ब्रीफली बता दे रहा हूँ, आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वो पॉइंट कि चार्ज टू मास रेशियो इसलिए नहीं निकाला गया, फिक्स नहीं किया गया इसका, बिकॉज आप देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस डाल रहे थे तो कम डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट एटम था, हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटर गैस था, जितना लाइटर गैस जितना हल्का गैस उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, और जितना भारी गैस उतना कम डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। मतलब इन कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टी है ना वो गैस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही थी, किसके ऊपर, गैस के ऊपर, जैसा गैस वैसा रिजल्ट। तुम सोचो कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर, अगर इसको थोड़ा सा हटा दें, कहाँ गया, अगर यहाँ सोचो जरा खुद कि अगर हाइड्रोजन के जगह पर यहाँ पे अगर आर्गन गैस ले लिया गया होता, तो भाई आर्गन के अंदर तो टोटल 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो कि फास्ट मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ने धक्का मारा इसको और हिट करके इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कितने निकाल दिए, 6। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो भाई अभी इसके पास 18 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन तो बाहर, 6 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, मगर 12 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, तो कुल मिला के अभी भी यहाँ पे देखो 6 पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, बच रहा है कि नहीं, सोचो ना। अगर इलेक्ट्रॉन हिट करे और यहाँ से मूविंग फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल जैसे इसके न्यूक्लियस को हिट करे, जैसे उसने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हिट किया था, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 1, 2, 4, 5 कुछ भी निकल सकता। मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो भी 12 इलेक्ट्रॉन बचा, और 12 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन, 12 पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव चार्ज और 12 नेगेटिव चार्ज, फिर भी 6 पॉजिटिव चार्ज अभी बच रहा है। तो जब जब चार्ज टू मास रेशियो निकाला जाएगा, जब हटा दे थोड़ा इसको, जब चार्ज टू मास रेशियो निकाला जाएगा, खुद सोचो चार्ज टू मास रेशियो निकाला जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए तो तुम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का रख दोगे, हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का रख दोगे, लेकिन जब बात आर्गन गैस की आएगी, जब आर्गन गैस डालेंगे तब यहाँ हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव चार्ज का तुम रख दोगे, लेकिन लेकिन जब बात दूसरे गैस की आएगी तो वहाँ इसका फिर 6 गुना वैल्यू लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, मतलब अब फिर और कोई गैस डालोगे तो हो सकता है उसका 12 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो फिर यहाँ पे चार्ज जो है ये तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई गैस डालेंगे, क्योंकि बिना गैस के तो रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो गैस डालेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, और अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो इसलिए जब अलग अलग रिजल्ट निकल के आ रहा है सबके लिए, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो फिर चार्ज टू मास रेशियो फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन के लिए कुछ वैल्यू निकाल दी गई जो आप रेफरेंस बुक पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या रखना है, आपको इसका मास याद रखना है, इसका चार्ज याद रखना है, नॉर्मल चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो नहीं, और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता ही दिए, अब तो लगता नहीं कुछ छूटा है, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी ख़त्म हो गया है, सारा कुछ क्लियर है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग, प्रोटॉन कंप्लीट हो गया, तो अब अगले क्लास में न्यूट्रॉन पे चर्चा होगी, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक कैसे उसके बारे में बताए थे, जो कि काफ़ी डिले एक्सपेरिमेंट हुआ 1932 के अप्रॉक्स में उसका मतलब खोज हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, टेस्ट भी हो चुका है, चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करें आप। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।